इजाजत है चाचा जान? आ जाओ गुंदूज बेटा। उस्मान और बाकी सिपाहियों की खबर मिली? हमने चप्पा चप्पा छान मारा लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला, पता नहीं कहां गए। ये क्या करना चाहता है, कहां जाना चाहता है समझ नहीं आ रहा। कभी तो तबीब की तरह हमारे जख्मों पर मरहम रखता है और कभी दुश्मनों की तरह नमक छिड़कने लगता है। ये मामला हाथ से निकल चुका है दुंदार साहब, ये अर्तुरुल गाजी को भी पता चलना चाहिए। कबीले में पेश आए हालात लिखकर एक खत अर्तुरुल गाजी साहब को भी भेजना चाहिए जनाब। सब कुछ बताएं कि उस्मान किसी की बात नहीं सुनता। चची जान सही कह रही हैं। अगर वालिदे मोहतरम अचानक से यहाँ कबीले आ गए और उस्मान का पूछने लगे तो क्या कहेंगे उन्हें? अफसोस उस्मान, देखो मुझे किन हालात तक पहुंचा दिया। अफसोस के इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचा, नहीं छोड़ा। अस्सलाम वालेकुम दुंदार साहब। वालेकुम अस्सलाम बंसी भाई, तशरीफ लाइए। शुक्रिया। जीते रहे दुंदार साहब। उस्मान कहाँ है दुंदार साहब? काफी वक्त गुजर गया है और वो नजर नहीं आ रहा। गीदड़ खून पीने के लिए बहाने की तलाश में है। मुझे डर है कि वो कहीं उस्मान को भी नुकसान ना पहुंचा दें। हम भी आपसे पूछना चाहते थे बमसी साहब। मैं सरदार नहीं, दुंदार साहब हैं। सिर्फ यही हैं जिन्हें उड़ने वाले परिंदे और हवा का पता होना चाहिए। अगर उस्मान किसी मुसीबत में पड़ा तो अर्तुरुल साहब क्या कहेंगे? कहें भाईजान गुंदूस, हाँ चाचा दुंदार साहेब। काश के अर्तुरुल साहब जल्द लौटे और आकर कबीले का निजाम संभाले। गुंदूस, फौरन सिपाहियों को उस्मान के पीछे रवाना करो, उसकी खबर के बगैर वापस ना आए। क्या खत भेजेंगे आप उन्हें? आपसे पूछ रही हूं मैं। क्या लिखूं भाईजान को, हाँ क्या लिखूं मैं? ये लिखूं कि उस्मान का ख्याल नहीं रख पाया। भाईजान ये कहेंगे कि जो उस्मान का ख्याल नहीं रख सका कबीले का कैसे रखेगा।